नमस्कार, मैं नेहा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की जताई इच्छा। 50% आरक्षण पर होगा प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। रेलवे का बड़ा तोहफा, चलेगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हुए निराश। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिजली क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की जताई इच्छा। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिजली के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है और बिहार सरकार गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत 3,500 से अधिक भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। वहीं देश विदेश की कंपनियों को इसके लिए बुलाया भी जा रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुलेट जनरल एच बोआइलान बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 12 और 13 अगस्त को एच बोआइलान बिहार दौरे पर आएंगे। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई तो उसे बिहार सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। रेलवे का बड़ा तोहफा, चलेगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। बिहार और झारखंड के मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि बिहार झारखंड से केरल और तमिलनाडु जाने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन 3 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से बिहार झारखंड से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में छात्र, मजदूर या फिर इलाज के लिए लोग दक्षिण भारत जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को बिहार झारखंड से केरल और तमिलनाडु जाना आसान हो जाएगा। दरअसल पहले से चल रही 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का समय जो है बढ़ा दिया गया है। राज्य के कॉलेजों में स्नातक में एनसीसी और वैदिक मैथमेटिक्स की होगी पढ़ाई। अब राज्य के कॉलेजों में स्नातक में एनसीसी और वैदिक मैथमेटिक्स की पढ़ाई जो है शुरू की जाएगी। राजभवन की तरफ से बनाई गई सिलेबस कमेटी से इन दोनों विषय के सिलेबस को स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही सिलेबस को जारी कर दिया जाएगा। कमेटी में शामिल एनओयू के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बताया कि एनसीसी की पढ़ाई वही होगी जिस कॉलेज में एनसीसी का यूनिट होगा। वही वैल्यू एडेड कोर्स को किसी भी विषय के स्नातक के छात्र चयन कर पढ़ सकते हैं। बता दें 2 अगस्त को स्नातक वोकेशनल कोर्स के लिए सिलेबस को लेकर एक बैठक हो चुकी है। जल्द ही अगली बैठक होगी और इसे अब अगले सत्र से लागू किया जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 24 गिरफ्तार। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में एक बड़ी अनहोनी होने से पहले इस पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने सॉल्वर गैंग के कुल 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें इस परीक्षा में नकल कराने के लिए 50,000 से 7 लाख में डील हुई थी, जिसका भंडाफोड़ किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने उनके पास से बड़ी संख्या में प्रवेश पत्र, नकली प्रश्न पत्र, आंसर शीट, बड़ी संख्या में मोबाइल और आधार कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने नकल करने के आरोप में पटना से 5, भागलपुर और आरा से 2-2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 7 अलग अलग जिलों से कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5% आरक्षण पर होगा प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। अब प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति 50% आरक्षण के आधार पर की जाएगी। बता दें कि बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 40,000 से अधिक नियुक्ति होनी है और ये सभी नियुक्तियां 50% के आरक्षण पर ही की जाएगी। इधर बिहार के लोक सेवा आयोग की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। बिहार सरकार आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिले को निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 50% आरक्षण के अनुसार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। डेंजर लेवल के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। पटना के गंगा नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। बता दें कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद गंगा नदी उफान पर है। बता दें कि गंगा का जलस्तर 47.72 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है, जो कि डेंजर लेवल को पार कर चुका है।
वहीं बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों के मन में भी काफी डर का माहौल है। राजधानी पटना के गंगा नदी के किनारे गंगा पाथवे बनाया गया है। कृष्णा घाट के साथ कई और घाटों पर गंगा नदी का पानी गंगा पाथवे पर चढ़ गया है, जिसके कारण सुबह और शाम टहलने वाले लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। वही उफनती धाराओं के बीच गंगा नदी में नाव का परिचालन भी हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं, इसके बावजूद भी नाव का परिचालन किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा। 10 अगस्त से राज्य के 13 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 17 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ लगाकर दवा सेवन कराया जाएगा। बता दें कि 13 जिलों में भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, किशनगंज, पटना, रोहतास, पूर्णिया, नालंदा, नवादा, लखीसराय, समस्तीपुर, मधुबनी और मधेपुरा, इन जिलों में इस वर्कशॉप का जो है आयोजन किया जाएगा। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलों और प्रखंड के पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन खिलाने के बाद ही फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन कराया जाए। यात्रियों को ट्रेनों की लेट लतीफी की समस्या से मिलेगा निजात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा स्टेशन के बीच अब तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जा रही है। इस रेल लाइन के तैयार हो जाने से यात्रियों को ट्रेनों की लेट लतीफी की समस्या से निजात मिलेगा। बता दें कि कुल 16,000 करोड़ की लागत से इस रेल लाइन को तैयार किया जाएगा। बता दें कि सर्वे का काम अगले महीने 20 सितम्बर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। बता दें कि वंदे भारत की तरह एक्सप्रेस ट्रेनों की भी रफ्तार होगी। नगरपालिका अधिनियम 2024 में बड़ा संशोधन। नगरपालिका कानून पर लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार ने यू टर्न लिया है और नगरपालिका अधिनियम 2024 में बड़ा संशोधन किया है। नए संशोधन के मुताबिक मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी पर्यवेक्षण का काम अब स्टैंडिंग कमेटी ही करेगी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अब सशक्त अस्थायी समिति के अधीन पर काम करेंगे। उसके अध्यक्ष के रूप में मेयर ही पर्यवेक्षण पर फैसला ले सकेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन संचालन का दर और कार्यान्वयन नगर निकाय करेगी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष और काउंसलर हमसे मिले थे और लोगों की बात सुनी गई। उनके जो सुझाव थे उसको राज्य सरकार ने सकारात्मक तरीके से विचार किया और तय किया गया कि संसाधनों को वापस ले लिया जाए। नॉन स्टॉप ट्रैफिक के लिए बनेगा अंडरपास। अब आप कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बता दें कि पटना से बिहटा एयरपोर्ट के बीच नॉन स्टॉप आवागमन में अब आपको परेशानी नहीं होगी। अब बिहटा एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर 60 से 80 किलोमीटर की गति से गाड़ियां दौड़ सकेगी। नौबतपुर, श्रीवाला, दानापुर और सरारी रेलवे फाटक के पास नॉन स्टॉप एलिवेटेड रोड सीधे दानापुर स्टेशन, खगौल, आरओबी और दानापुर खगौल रोड से जुड़ेगा। 60 किलोमीटर की गति से 14 मिनट में दानापुर स्टेशन पार कर सकते हैं। यदि 80 किलोमीटर की रफ्तार होगी तो समय और कम लगेगा। बक्सर पटना फोर लेन का 25.08 किलोमीटर अवशेष हिस्सा का जो निर्माण है चल रहा है, जिसे 7 सितंबर 2026 तक पूरा करना है। दानापुर बेटा एलिवेटेड फोर लेन अब NH 922 के नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान भारत को पलीता लगा रहे बिहार के अधिकारी। राज्य में विशेष अभियान चलाए जाने के बाद 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो पाया है। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को बिहार के जो लापरवाह अधिकारी हैं वे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2025 चुनाव से पहले इस योजना का लाभ राशन कार्ड धारियों को दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही के कारण इस अभियान को बल नहीं मिल पा रहा है और 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाने का जो लक्ष्य था अभी तक हासिल नहीं हो सका है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर 1,15,00,000 नया आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 30 जुलाई तक 33 लाख ही आयुष्मान कार्ड बन पाए। इस वजह से विभाग ने विशेष अभियान को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया। 7 अगस्त तक भी 55,49,773 आयुष्मान कार्ड ही बनाए जा सके। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है कि छठ पर्व के समय आयुष्मान कार्ड बनवाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। वाहन परिचालन रहेगा बंद।
यात्रीगण ध्यान दें, राजेंद्र सेतु पर 8 अगस्त की रात पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान पटना और बेगूसराय जाने में लोगों को परेशानी होने वाली है। बता दें कि पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के सिमरिया के बीच राजेंद्र सेतु पर मरम्मती का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है, जिसके कारण 8 अगस्त की रात 10 बजे से 9 अगस्त की सुबह तक वाहनों का परिचालन जो है बंद रहेगा। 8 अगस्त की शाम से SP सिंगला के द्वारा राजेंद्र सेतु के SPN नंबर 4 पर लगभग 120 मीटर के स्पेन का मरम्मती काम किया जाना है। इसी के कारण पुल पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार राजेंद्र सेतु के सड़क वाले हिस्से पर मरम्मती के कार्य को लेकर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इससे 8 अगस्त की रात 10 बजे से किसी प्रकार का वाहन परिचालन नहीं होगा। विनेश फोगाट मामले में राजद सांसद मनोज झा का हमला। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती के फाइनल मैच से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा ने संसद में आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो सरकार संसद में एथलीटों पर किए गए खर्च का हिसाब देती है, उसे कोई शर्म नहीं है। इस बात का हिसाब दिया जाना चाहिए कि PM और कैबिनेट मंत्रियों पर करदाताओं का कितना पैसा खर्च होता है। उन्होंने खेल मंत्री द्वारा संसद में खिलाड़ी पर किए गए खर्च का हिसाब देने पर भी चिंता जताया है। तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अपने और परिवार के ऊपर चल रहे ED केस को लेकर एक बयान दिया और कहा कि ED का केस कोर्ट में नहीं टिकेगा, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। भारत की न्यायपालिका दबाव रहित और निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते 1,000 करोड़ रुपए के चारा घोटाला करने वाले लालू यादव को न्यायपालिका ने ही अनेक मामलों में सजा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वे 52 बेनामी संपत्तियों, सैकड़ों भूखंडों, भवनों और फ्लैटों के मालिक कैसे बने। लालू परिवार के अनेक सदस्यों के नाम पटना सहित अन्य जगहों पर कई एकड़ जमीन का स्थानांतरण कैसे हुआ। हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा दिखे निराश। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया। बता दें कि श्रीलंका ने भारत को 3 मैचों के वनडे सीरीज में 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इस हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा निराश दिखे। उन्होंने अपनी टीम की गलतियों को कबूल लिया। रोहित ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये चिंता की बात है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसे हम गंभीरता से लेना होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनका नाम है पेंटू कुमार, राजकिशोर महतो, हिमांशु शर्मा, कन्हैया कुमार, राम बाबू दास, दिनेश कुमार, राकेश कुमार, रवि कुमार, बाबूलाल मरांडी, अमरजीत यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।